गाइस आई एम बैक विद अ न्यू रेसिपी और आज की रेसिपी है चावल के मोदक। चावल के मोदक गणेश जी का प्रिय भोग है और आज हम यह मोदक बनाएंगे बिना मावा के, बिना चाशनी के और बिना स्टीम किए। यह मोदक बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। हम मोदक बाहर से चावल के और अंदर से इसमें स्टफिंग होगी, जिसमें हम नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ डालेंगे। 10 से 12 मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा, 2 कप दूध, आधा कप नारियल का बुरादा, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 कप चीनी और 2 चम्मच घी। सबसे पहले मोदक बनाने के लिए हम 1 कप चावल का आटा लेंगे। हम किसी भी बर्तन से 1 कप नाप ले सकते हैं। जो भी बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी चीज़ें उसी के हिसाब से हम उसी प्रोपोर्शनेट में लेंगे। हम किसी मेजरिंग कप के अलावा किसी कटोरी से भी माप ले सकते हैं। अब हम इस चावल के आटे को धीमी आंच पर भुनेंगे। चावल के आटे को हमें लगातार चलाते हुए भुनना है, नहीं तो ये जल जाएगा और जलने के बाद इसका स्वाद बहुत कड़वा आएगा। हम इसे 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करेंगे, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। भुनने के बाद हम इसे गैस से उतार के अलग रख लेंगे। फिर हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 कप दूध। हम कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का या भैंस का। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच केवड़े का एसेंस। आप इसकी जगह आधा चम्मच इलायची पाउडर या फिर रोज एसेंस भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद यह नारियल के दूध जैसे दिखेगा। ऐसा हमने इसलिए किया है जिससे दूध में नारियल का एसेंस बहुत अच्छे से आ जाए। इससे हमारे मोदक का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हम एक पैन में इस दूध को डाल देंगे और फिर उसे उबलने देंगे। वीडियो में देख सकते हैं कि अब दूध बॉईल होने लगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे घुलने देंगे। चीनी के घुल जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे गाय का चाहे भैंस का। आप चाहें तो घी नहीं भी डाल सकते। घी डालने से हमारे मोदक में एक चमक आ जाएगी, इसीलिए हमने इसमें घी इस्तेमाल किया है। अब हम आंच को धीमा कर लेंगे या फिर गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप चावल का आटा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे और लगातार चलाते हुए उसे मिक्स करेंगे। हम सारा आटा इकट्ठा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। हमें आंच एकदम धीमा या तो फिर बंद रखना है, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से घुल जाए। अगर हम फ्लेम ऑन रखेंगे तो हमें इसे मिक्स करने में दिक्कत होगी। ऑन रखने से यह बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और हमें चलाने में दिक्कत होगी, हमारा मिक्सचर स्मूथ नहीं बनेगा। सारा आटा डालने के बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे लगातार चलाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अप्रॉक्स 8 से 10 मिनट बाद ये साइड छोड़ने लगेगा। इसे लगातार चलाते रहना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अब यह मावा की तरह दिखने लगा है। इसे थोड़ी देर और चलाते हुए पकाना है। अब हमारे चावल के फिलिंग ने पूरी तरह से पैन को छोड़ दिया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे रेस्ट करने देंगे। आटा मोदक के लिए तैयार है कि नहीं, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा मावा अपने हाथ में लेंगे और उसका एक गोली बनाएंगे। अगर वो बॉल हमारे हाथ में नहीं चिपक रहा तो हमारा मावा तैयार है। हम इसे ढक कर रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इसे हम पूरी तरह ठंडा नहीं करेंगे, इसे थोड़ा गुनगुना ही रहना चाहिए। अब हम मोदक की फिलिंग तैयार करेंगे। मोदक की फिलिंग के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच पिस्ता, आधा चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच गुड़ या चीनी। सबसे पहले हम ब्लेंडर में 1 चम्मच पिस्ता लेंगे, फिर हम लेंगे 1 चम्मच बादाम और 1 चम्मच काजू। फिर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा और हम डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। यह सब डालने के बाद हम इसे दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के बाद हम 2 बड़े चम्मच गुड़ डालेंगे। हम इसकी जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमारी फिलिंग तैयार है। अगर हमारी फिलिंग ज़्यादा रूखी लगे तो हम इसमें 1 चम्मच दूध डाल लेंगे। फिर हम इस फिलिंग से छोटे छोटे गोले बना के अलग रख लेंगे, जिससे हमें मोदक की स्टफिंग करने में आसानी हो।
अब हम मोदक तैयार करेंगे। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ बाजार से खरीदा हुआ मोल्ड लिया है। हमें यह मोल्ड बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसे किसी भी साइज का खरीद सकते हैं, छोटा या बड़ा। सबसे पहले हम इस मोल्ड से साइड का पिन निकाल के उसे हटा देंगे और इसे खोल के इसमें अंदर घी लगा लेंगे। घी लगाने से हमारा मोदक आसानी से बाहर निकल आएगा। अब हम इस मोल्ड में अपने बनाए हुए चावल के आटे के मावा का स्टफिंग करेंगे। पहले हम थोड़ा सा मावा लेके उसे उंगलियों की सहायता से अंदर पुश करते हुए भरेंगे। फिर हम अपनी उंगली की मदद से बीच में थोड़ा गड्ढा कर देंगे जिसमें हम अपनी स्टफिंग डालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने वीडियो में दिखाया है। अब हम अपना स्टफिंग का बॉल जो बनाया था उसे अंदर डाल देंगे और थोड़ा पुश करेंगे जिससे वह बनाए हुए होल में अच्छे से फिल हो जाए। फिर हम अपना चावल का मावा लेंगे और उसे फिलिंग के ऊपर अच्छे से भर देंगे जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया है। हम अपनी उंगलियों से उसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और एक्स्ट्रा निकाल देंगे। फिर हम अपने मोल्ड को खोलेंगे और बने हुए मोदक को उसमें से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मोदक तैयार है। हम इसी तरीके से अपने बाकी मोदक भी तैयार कर लेंगे। हमने सारे मोदक बना लिए हैं। हमारा मोदक तैयार है सजाने के लिए। और उसे सजाने के लिए हम लेंगे कुछ केसर जो हमने पानी में भिगा के रख दिया था जिससे उसका कलर उसमें उतर आए। फिर हम सारे मोदक पे उस केसर के पानी को और केसर को लगा देंगे जिससे मोदक के सिराहने पे एक येलो कलर आ जाए। हमारा चावल का मोदक तैयार है गणपति बापा को भोग लगाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम।